गाइस, मैं प्रीति और आप सभी का पी प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, कपड़ा वपड़ा पहन लिया है, रेडी एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। अभी जाना है घाट पे और वहां पर अपनी जो पूजा विधि है वो शुरू करनी है। आज है ना उगते हुए सूरज को अर्घ देना है और मेरा जो व्रत है आज खत्म होगा। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि है ना एसिडिटी चढ़ जाती है मुझे और तबीयत भी खराब होने लगती है, डाउन होने लगती है और बहुत सारे काम होते हैं छठी मैया के। जो भी अपने छठ रखता रहेगा तो उसे मालूम है। तो फिर जैसे तैसे भगवान की कृपा से, छठी मैया की कृपा से ये जो व्रत है यहाँ तक पहुंच चुका है, ये मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और अभी इस वक्त है ना मेरे जो पीयू प्रिंस है, ये देखिए दोनों भाई बहन, दोनों भाई बहन जो है सो रहे हैं। ये आएंगे सुबह 6 साढ़े 6 बजे, जब सूरज देवता उगेंगे तब आएंगे और अर्घ देने के लिए आएंगे। और इस वक्त है ना मैं जाऊंगी वहां पर, जो तैयारी रहती है सूरज देवता उगने से पहले वो पूरे प्रिपरेशन करके रखना है ताकि वो आए और हमारी जो पूजा विधि है वो शुरू हो जाए। गाओ, इसके रेडी भी पटाखों के साथ रेडी हो चुके हैं। वहां पर जाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। पूजा का सामान भी रेडी हो चुका है, बस घाट पे जाकर जो चीजें करनी है वो होगी। फ्रेंड्स, ये जो छोटी मैया का जो व्रत होता है बहुत ज्यादा कठिन होता है, बहुत पहले से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो फिर इसीलिए ये जो व्रत है बहुत ज्यादा कठिन है। आप जो भी रखते रहेंगे उनको मालूम है, मुझे तो बोलने भी नहीं हो रहा है क्योंकि इतना हो रहा है मुझे। उपवास की वजह से वीकनेस हो गई है और एसिडिटी का लेवल जो है बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर सर में जो है पेन होना शुरू हो चुका है। मुझे ना एसिडिटी की तकलीफ होती है जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाता है। ज्यादा टाइम तक तो अगर मैं खाऊंगी भी नहीं ना तो फिर एसिडिटी जो है बूस्ट हो जाती है और इसकी वजह से सर में दर्द होना लगता है और आंखों में जलन वगैरह होती है। और छठी मैया की कृपा से ये जो व्रत है वो अभी अपने अंत तक पहुंच चुका है, बहुत अच्छे से हुआ है, बीत गया, जो ज्यादा तकलीफ नहीं हुई मुझे। लगभग हुई थोड़ी बहुत हुई जो कि नॉर्मल है और बाकी सब हो गया। अब देख सकते हो बज रहे हैं 5 अभी सुबह के। लास्ट वीडियो मैंने आपको है ना तैयारी दिखाई थी रात को जो हो रही थी, सब पैक करके रख दिए हैं। वहाँ पाखंड दिया जल रहा है जिसके ऊपर मटके का रखा हुआ है, जिसके वजह से हवा से बुझे नहीं। सारी चीज़ें है ना एक एक करके लेके जा रहे हैं इसके रेडी और वहाँ पर रख के आएंगे। मम्मी भी चली गई है एक सामान लेके और मैं यहीं पर अकेले वेट कर रही हूँ इनका। अंधेरा कितना है देख सकते हैं, एकदम काला अंधेरा कितना देखा, सूर्य देवता भी नहीं हो गए हैं। और उससे पहले तैयारी रोड पे भी सब लोग जाने की तैयारी ही कर रहे हैं वहां पर घाट पर। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, अब वो कर रहे हैं पटाखे जला रहे हैं, तो दिखाती हूँ मैं पटाखे जलाते हुए। लंबा था थोड़ा। पटाखे वगैरह फोड़ने के बाद सारे जो सामान बचे हुए थे वो ले लिया है और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ छठी मैया का कल पूजा किया था, यहीं पे आज हम अध्यापन भी करेंगे। तो फिर ये हमारा जो है प्रिपरेशन पहले से नहीं हुआ है क्योंकि अभी हम आ रहे हैं और ये इधर ही रहते हैं, इनका प्रिपरेशन हो चुका है और वो पानी में खड़े हो चुके हैं। तो फिर देखते ही देखते मैंने सारा प्रिपरेशन कर दिया है, कलश वगैरह रख दिया है, हार फूल चढ़ा दिया है, 5 फल रख दिए थे, दिया बत्ती लगा दिया था, जो 6 दिए जलने थे ना
भोग लगा दिया था, हार फूल लगा दिया था, और चना और चावल जो है उनको चढ़ाते हैं वो कर दिया था, और सिंदूर जो है टिकते हैं वो कर दिया था। सारे प्रिपरेशन करने के बाद मेरी सास जो है वो आए थे। मैंने सूप भी रेडी कर दिया था, मैंने कहा कि हल्का सा रोशनी हो जाए तभी मैं जाऊंगी पानी में। तो फिर जैसे ही है ना थोड़ी सी हल्की सी रोशनी होने लगी ना, तो फिर मैं पानी में जो है चली गई और टब में घुस गई। अगर मैं नदी या तालाब में करती ना, तो मेरे कमर तक पानी होता और मैं एक दो डुबकी भी लगा दी होती इसके अंदर। तब तक है ना कोई वीडियो लेने वाला मेरे पास नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी को मैंने सिखा दिया है कि वे वीडियो कैसे लेते हैं। करीबन 6:30 बजे तक है ना पीयू प्रिंस को मैंने फ़ोन किया लेके आने के लिए, तो फिर दादा जो है उसको उनको दोनों को उठा दिए, पर ये दोनों सुबह सुबह नहाने को रेडी नहीं थे। तो फिर इन लोग ऐसे ही आ गए। मैं बोले कोई बात नहीं, बच्चों को सब माफ़ है, बिना नहाए भी आएंगे तो भी चलेगा। जो मैंने अगरबत्ती लेके खड़ी थी और सूरज देवता के आने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने ना अभी से सूप लेके नहीं खड़ी रही, क्योंकि है ना वो थोड़ा हाथ दुखने लगता है इस वजह से। जैसे ही सूरज देवता खड़े आ जाएंगे ना, तो वैसे ही मैं सूप वगैरह सब लेके उनकी पूजा वगैरह करूँगी। और जो है ना जिस टब में मैं खड़ी हूँ ना, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दिया जाता है, ताकि है ना गंगा जी के किनारे खड़े होने का जो सौभाग्य है ना वो मिले। जैसे सूरज देवता थोड़े से आ गए, उसके बाद मैंने है ना जो सूप है पानी को टच कराया और सूप को लेके मैं खड़ी हो गई। और यहाँ पर पीयू प्रिंस भी आ चुके हैं मेरी मदद करने के लिए, जो अर्क है वो देने के लिए। सबसे पहले मैंने पीयू को बुलाया आके अर्क दे दे, और बाकी सब लोग ने भी अर्क देना शुरू कर दिया है। चाची सास ने ना मेरे इसके टब में थोड़ा पानी और डाल दिया है। छठ की जो पूरी जर्नी में थोड़ा सा थकावट, थोड़ा सा मज़ा, बहुत सारे अच्छी एक्साइटमेंट रही है, इसलिए है ना जो छठ है बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं लोग, है ना गांव चले जाते हैं इस छठ को मनाने के लिए। कोई और त्यौहार में नहीं आएंगे, पर छठ में ज़रूर आते हैं घर पे। एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है कि ना जब आप शाम को अर्घ देते हो ना तो पानी से देते हो, और दिन में जब अर्घ देते हो तो दूध से देते हैं। तो फिर दूध का भी इंतज़ाम करके आए थे। और इसके बाद सारे लोगों ने ना फैमिली पिक्चर लिया। यार मेरा जो सपने अर्घ देने के बाद मेरा जो व्रत वगैरह है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं पानी और छठी मैया के पैर छूंगी, ताकि जिस जो भी मेरा अगर मेरे से गलती हो गई, कुछ भी हो गया है, उसके लिए माफ़ी मांग लेती हूँ। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें याद नहीं रहता है चीज़ें, कुछ कुछ ना कुछ भूल जाती है, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है। तो उससे अच्छा है आप माफ़ी मांग लो, अगर कुछ भी गलती होगी तो फिर वो माफ़ कर देंगी। अब मैं सूरज देवता के भी जो है प्रणाम कर दिया है। इस वक्त है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सूरज देवता को देख के, और हमारा जो छठी मैया का उपवास है यहीं तक हो गया। और अब है ना थोड़ा सा पूजा पाठ करने के बाद मैं यहीं पे अपना जो व्रत है वो है ना तोड़ूंगी। फ्रेंड्स अभी ये सारे पूजा जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो फिर जितनी भी प्रसाद वगैरह है यहाँ पर लोगों को बांट दिया जाएगा, और जिसके जिसके है ना फ्रूट्स आए थे वो है ना फ्रूट्स उनके घर पहुँचा दिया जाएंगे। अगर वो आए तो ठीक, नहीं तो उनके घर पहुँचा दिया जाएगा एज अ प्रसाद। चलिए मैं दिखाती हूँ कि सूरज देवता किस तरह से दिख रही है। थोड़ी सी लालिमा दिख रही है ना, बस वही देख के हमने पूजा कर लिया, क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग से सामने, फिर इसके वजह से हमारे ना अच्छे से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। और यहाँ पर मैंने है ना सबको सिंदूर लगाया, जो स्वागने हैं उनको सिंदूर लगाया है, पहले अपने सास के पैर छुए और उनके सिंदूर लगाया है। इसी तरह से हम ना सबको एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। अगर मैं घाट पे होती तो बहुत लोग आते सिंदूर लगवाने के लिए और प्रसाद लेने के लिए। जो छठी मैया का प्रसाद है एज अ आशीर्वाद होता है, जो अगर उपवास नहीं किया तो भी उसको फल मिलता है, और बच्चे की जो चीज़ें हैं वो भी अच्छी रहती है। Oh, 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 oh,
प्रिंस, ये देखिए सारा झोली भर चुका है मेरे प्रसाद से, ये सारे प्रसाद मैं पीयू प्रिंस तीनों मिलके खा सकते हैं, इसलिए मैंने इतना सारा ले लिया। नॉर्मली अगर ना मैं थोड़ा सा ही प्रसाद लेती हूँ, क्योंकि ना प्रसाद ज़्यादा ले लेने के बाद वो ख़राब हो जाए तो प्रसाद का अपमान होता है, इस वजह से थोड़ा सा ही मैं लेती हूँ ताकि प्रसाद मैं खा भी सकूँ और अपमान भी ना हो। यहाँ पर जितने भी गन्ने हैं ये सारे गन्ने एज अ प्रसाद के तौर पे सबको दिए जाएंगे, अभी जो इतने भी थे उनको दे दिया गया और बचा हुआ लेके जाएंगे। अगर सपोज बच भी जाता है ना तो फिर क्या करते हैं कि जो गन्ने वाला रहता है ना वहाँ पर जाके गन्ना का जूस बना लेते हैं और पी लेते हैं, अगर कोई खाने वाला नहीं रहेगा तो। सारी चीज़ें पैक करने के बाद ये जो दिया और ये बनाया है ना हमने, वो है ना दूसरे तीसरे दिन आके साफ करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग वाले हैं वो बोलेंगे कि साफ कर दो, तो इसलिए दूसरे तीसरे दिन आके हम लोग साफ कर देंगे सारी चीज़ें। बहुत अच्छा था छठ का ये फेस्टिवल, बहुत अच्छा लगा। आप किस तरह से छठ मनाते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अगर आप नहीं भी मनाते तो है ना आपके नज़दीकी तालाब में एक बार जाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छा लगता है ठेकुआ और ये सब खाने में और बहुत अच्छा लगता भी है। हम सब ने ना थोड़ा फ़ोटो सेशन किया, इसके बाद देखिए मैंने गन्ना किस तरह से लेके रखा है, अब उतर चुकी हूँ मैं और इसी तरह से हम लोग घर की तरफ निकल जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े से दूर नज़दीकी में ही है मेरा घर। फ्रेंड्स अब मैं उतर चुकी हूँ गन्ना लेके, देखिए भारी हो गया था कैमरा पकड़ना और ये भी पकड़ना, तो इस वजह से मैंने कंधे पे ले लिया है। सब लोग देख के वाला हंस रहे थे कि कैसे लेके जा रही है। इसके बाद मैं घर पहुँचने के बाद गर्म पानी किया है और वही पी रही। आज का जो वीडियो यहीं तक था, होप सो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ जिसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं पीयू प्रिंस यादव दिखा रहे, धन्यवाद।